कोरोना वायरस के कहर के चलते लागू हुए लॉकडाउन में मजदूर का पलायन शुरू हुआ और अभी भी जारी है। कई प्रवासी मजदूर किसी ना किसी तरह से अपने गांव लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच कई सड़क हादसों के शिकार भी हो रहे हैं। सरकार ने इनके लिए श्रमिक ट्रेन चलाई है जिससे वो अपने घर पहुंच सके। महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर खाने को लेकर लेबर स्पेशल ट्रेन में मजदूर भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को बैठा दिया गया था, जबकि रेलवे की ओर से बोगी की क्षमता के हिसाब से ही खाना बांटा जा रहा था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खाने को लेकर बवाल मचा और आपस में सारे यात्री भीड़ पड़े। ट्रेन में क्षमता के हिसाब से ज़्यादा लोगों को बैठा दिया गया था, बोगी में सीट के हिसाब से ही खाना बांटा गया, लेकिन 72 सीट की बोगी में 90 लोगों को बैठा दिया गया था। इस बीच ये सवाल है कि कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग और कौन सा पालन किया जा रहा है। इसी कारण रेलवे पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया गया है कि मजदूरों से 1050 रुपये लेकर बोगी में ज़्यादा मजदूरों को बैठा दिया गया। सुनिए ट्रेन में बैठे मजदूरों का क्या कहना है। हम लोगों को दिक्कत यही है सर, हम लोगों को पहली बात तो खाना नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, सोशल डिस्टेंस। हमारे नरेंद्र प्रधान मोदी बोलते हैं क्या, सोशल डिस्टेंस आप यूज़ करो, सैनिटाइज करो, मास्क यूज़ करो। अगर आप एक एक गाड़ी के अंदर एक एक सीट पे चार चार बंदे को बैठाओगे, कहाँ से डिस्टेंस होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।